हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो आपको ओबीई हुए थे थर्ड ईयर के और जो एक्स स्टूडेंट्स थे उनके, इसके अलावा जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एबीई हुए थे यानी कि असाइनमेंट्स हुए थे, उनके रिजल्ट जो है कब आएंगे। तो फर्स्ट ईयर के तो रिजल्ट आ चुके हैं, सेकेंड ईयर के भी काफ़ी कोर्सेज के जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उसके रिजल्ट आ चुके हैं, ऑनर्स कोर्सेज के भी नहीं आए हैं, तो उनके रिजल्ट कब आएंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मेनली हम डिस्कस करेंगे ओबीई के जो रिजल्ट हैं वो आपके कब आएंगे, एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी और एमसीवाई के स्टूडेंट्स के लिए भी। वही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विद्यासागर, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारे इंस्टाग्राम आईडीज है, यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहले जो मैंने वीडियोज बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके रिजल्ट जो है मिड ऑफ दिसंबर तक आएंगे, और उसके बोलने का पीछे मेरे पास मोटिव ये था कि जो एसओएल की तरफ से जो आंसर्स आ रहे हैं वेरियस स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेल किया है एसओएल को, तो ये प्रेम राज जो है सेक्शन ऑफिसर एसओएल के अंदर है, इनकी तरफ से जो आंसर्स आए हैं रिप्लाई जो आया है उसमें बताया गया है कि मिड ऑफ दिसंबर तक आपके रिजल्ट जो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट दिन कुछ स्टूडेंट्स ने मेल किया है उनको उनको ये रिप्लाई मिल रहा है कि उनके रिजल्ट जो है मिड ऑफ दिसंबर तक ना आके उनके जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ दिसंबर तक आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने 15 दिन वैसे डिले कर दिया है, तो ये काफ़ी टाइम चल रहा है। पहले उन्होंने बोला था मिड ऑफ नवंबर, फिर एंड ऑफ नवंबर बोला था, अभी एंड ऑफ दिसंबर आ गया, तो ये भी हो सकता है ये भी दोबारा ये बढ़ा दे। तो ये पूरा खेल अभी चल रहा है एसओएल के अंदर, जो रिप्लाई आ रहा है उसमें ये अभी एंड ऑफ दिसंबर की बात बता रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि जो ये एसओएल और ड्यू के बीच में खेल क्या चल रहा है, ये रिजल्ट जो है कहाँ से अटका हुआ है, कौन जो है इसमें लीड कर रहा है। तो अगर आपको ये प्रेमराज जिसे कॉन्टेक्ट करना है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये बात ध्यान रख लें कि ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक में अवेलेबल है, एसओएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई ये रेफरेंस देने की कोशिश ना करे कि मैंने आपको ये नंबर दिया, ये नंबर जो है पब्लिक में अवेलेबल है। अब देखो ओबी रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर दो तीन स्टेटमेंट्स आती है। अगर प्रोफेसर डीएस रावत की बात करें तो ये जो है डीन ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि ड्यू के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सभी इनके अंडर होते हैं, ये डीन ऑफ एग्जामिनेशन है पूरे ड्यू के अंदर, एसओएल के अंदर नहीं पूरे ड्यू के अंदर। तो इनका ये कहना है कि जो ओबीई का रिजल्ट की बात करें तो ओबीई का जो इवोल्यूशन है वो, क्योंकि इस साल एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं तो ओबीई का जो पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो देख रहा है एसओएल अपने आप। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो रिजल्ट में जो भी देरी हो रही है, इवोल्यूशन में जो भी देरी हो रही है, वो सारी की सारी देरी जो है एसओएल की तरफ से हो रही है, इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है। अब जब इनसे ये क्वेश्चन किया गया कि अगर जिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं एडमिशन लेना है या कुछ और जिनको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैंने जो एसओएल के प्रिंसिपल हैं, एसओएल के जो प्रिंसिपल हैं उनको मैंने सीधा सीधा कहा हुआ कि आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दीजिए, हम प्रोविजनल जो इशू कर देंगे। अब ये कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में ये होता है कि आप जाएंगे एक एप्लीकेशन देंगे और आपको कहेंगे मेरे को इस वजह से रिजल्ट की ज़रूरत है और मेरा रिजल्ट जो है अभी मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे अभी बहुत ज़रूरी है कि मुझे मेरा रिजल्ट दिया जाए। तो आपको क्या करेंगे, आपका रिजल्ट जो एक बंद लिफाफे के अंदर आपको दे देंगे और जहाँ भी आपको सबमिट करना है, आपको लिफाफा खुद नहीं खोलना, वहाँ जाके आपको वो दे देना है और वो जो आपका रिजल्ट देख लेंगे। कहने का मतलब ये कि आपका रिजल्ट आपको नहीं बताया जाएगा, जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट रिजल्ट की वहाँ पर आपको रिजल्ट जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की। अगर किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेना है तो मुझे इतना लगता है ये एसओएल में कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप एसओएल के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोफेसर डी एस रावत है इन्होंने कहा कि मैंने जो है सर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए बोल दिया है, आप जाके कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ले सकते हैं, और जो रिजल्ट में देरी हो रही है ये देरी हो रही है एसओएल के एंड से। ठीक है, और अगर एसओएल के एंड से बात की जाए कि एसओएल क्या जवाब दे रहा है इसका, तो एसओएल की तरफ से जो प्रेम राज जी हैं उनसे भी बात हुई और जो बाकी स्टाफ मेंबर थे उनसे जो बात हुई है उनसे ये पता चल रहा है कि जो जो ओबी का इवोल्यूशन है, ठीक है, वो तो एसओएल की मदद से सिर्फ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो ड्यू डिक्लेयर करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ड्यू, क्योंकि आप इस बार सीट्स आंसर सीट्स काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए कि एसओएल का कुछ स्टाफ जो है वो पेपर को चेक करने में ड्यू की सिर्फ हेल्प कर रहा है, बाकी रिजल्ट जो है ड्यू डिक्लेयर करेगा, ऐसा कहना है
SOL डिपार्टमेंट का, और इनका कहना है कि जो AB का रिजल्ट है वो जरूर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जो OB है उसका रिजल्ट जो है DU के साथ ही डिक्लेयर किया जाएगा, या कह सकते DU की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। तो बेसिकली ये कि जो भी देरी हो रही है दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम अभी लगा रहे हैं, इसमें आज ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करें तो ये SOL और DU कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो SOL जो है DU के अंदर ही काम, DU के अंडर में ही काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि किस तरह से काम होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसके नीचे कैंपस ओपन लर्निंग है, और वहीं पर आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी आता है, और ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट और सेंटर भी आता है, और इसी के नीचे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो है काम करती है। तो ये सब बस आरोप प्रत्यारोप की बात है, और इसमें कुछ ज़्यादा इसमें रखा हुआ नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि OB का रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप, ये एंड ऑफ नवंबर यहाँ पे आ गया, ये इसको काट के आप ये दिसंबर कर लें। ठीक है, ये एंड ऑफ दिसंबर के पहले तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, एंड ऑफ दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके OB के रिजल्ट जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये मैं उसी बेसिस पर बता रहा हूँ जो वेरियस आंसर दिए गए हैं बाई ईमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूँ तो असाइनमेंट्स के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड दिसंबर में भी आ सकते हैं, और ये हो सकता है ये भी एंड ऑफ दिसंबर तक, ये एंड ऑफ दिसंबर तक ही चले जाएं। ठीक है, तो ये मिड दिसंबर में भी आ सकते हैं, ये तो एंड ऑफ दिसंबर तक भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपके मिड दिसंबर तक जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। ये भी उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैं जो आंसर दिए गए हैं थ्रू ईमेल SOL के वेरियस स्टूडेंट्स को उसके बेसिस पे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर में एडमिशन कब लेंगे हम? तो उसकी टेंशन आप ना लें, जब तक सारे कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आ जाता थर्ड ईयर के एडमिशन स्टार्ट नहीं होंगे। इसके अलावा जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं जो अब थर्ड ईयर में जाएंगे उनका एग्ज़ाम होगा एनुअल मोड के अंदर, तो उनका एग्ज़ाम वही जून जुलाई के आसपास होगा, तो उनके एग्ज़ाम्स में अभी काफ़ी टाइम है, तो उनका एडमिशन जो आराम से हो जाएगा। आप एडमिशन के लिए कोई भी यहाँ पर टेंशन ना लें। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो OB का रिजल्ट आप मान के चले कि एंड ऑफ दिसंबर तक आएगा, और जो आपके असाइनमेंट्स है उसका रिजल्ट जो अभी एक वीक के आसपास जो आना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आ पा रही है SOL से उसके अकॉर्डिंग। और टाइमिंग, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, जो भी फ्रेंड्स आपके OB के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी सोर्स के थ्रू, तो वह मैं आप तक लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, और सबसे पहले वीडियो यहाँ पर आपको दिखेगी। फॉर द टाइमिंग, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।